नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैंने आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिलीशियस फूड रेसिपी में। दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी का नाम है खीरे का शरबत। गर्मी के दिन में खीरा बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है और आज मैं खीरे से ही एक रिफ्रेशिंग एनर्जेटिक ड्रिंक बनाने वाली हूँ और आप इस ड्रिंक को घर पे स्टोर करके भी रख सकते हैं। सो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए वो है खीरा। यहाँ पे मैंने एक खीरा लिया है। इस खीरे को मैंने अच्छे से पिल कर लिया है, पिल करके मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और हमें चाहिए बर्फ के टुकड़े, नमक स्वाद के अनुसार, काला नमक स्वाद अनुसार, चीनी भी हम स्वाद के अनुसार लेंगे, पुदीना के पत्ते 7 से 8, नींबू यहाँ पे मैंने आधा नींबू लिया है, और क्रस्ट ब्लैक पेपर, यहाँ पे मैंने काली मिर्च लिया है क्रस्ट करके। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे और हमें चाहिए पानी, तो आप पानी की जगह पे कोल्ड ड्रिंक भी यूज कर सकते हैं, और कोल्ड ड्रिंक में आप 7 अप या फिर स्प्राइट का यूज करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। खीरा का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हम खीरा और पुदीना के पत्ते को ग्राइंड कर लेंगे विदाउट वाटर, बिना पानी के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो आइए पहले इसे ग्राइंड कर लेते हैं। हमारा खीरे और पुदीने का प्यूरी तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में छान लेंगे। इस तरह से यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, तो आप पीसने समय थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। और हम इसे अब अच्छे से चम्मच से चला कर इसके बाकी के जूस निकाल लेंगे। अब इस तरह से दबा दबा के अच्छे से इसका जूस निकाल लें। यहाँ पे मैंने खीरे का जूस निकाल लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पानी की जगह पे 7 अप या फिर स्प्राइट का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 ग्लास के लगभग इसमें पानी ऐड किया है। अब हम इसमें आइए बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। काला नमक, सफेद नमक हम स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे, सब क्रस्ट काली मिर्च 1/4 टीस्पून के लगभग इसमें हम ऐड करेंगे, चीनी भी हम अपने स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे, और नींबू का रस। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 सर्विंग ग्लास लिया है और यहाँ पे मैंने सबसे इनमें पहले से ही बर्फ ऐड करके रखा हुआ है। अब हम इसमें शरबत ऐड करेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारा ये जूस तैयार है। तो लीजिए दोस्तों, हमारा खीरे का जूस तैयार है। आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें और खुद भी पिएं, अपने फैमिली को पिलाएं, और जो गेस्ट आते हैं उन्हें भी बना के दें। सो ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक है और बहुत ही रिफ्रेशिंग है। आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे चैनल के साथ शेयर जरूर करें। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी आप जरूर बताएं, और आप अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये ककम्बर जूस की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
बाय बाय।